नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राजे शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। यूं तो न्यूजीलैंड ने अनेक पत्र डैश पत्रिकाएं समय डैश समय पर प्रकाशित होती रही हैं। सबसे पहला प्रकाशित पत्र था इन्वर्टेड कॉमा आयुर्दय इन्वर्टेड कॉमा बंद, जिसके संपादक थे श्री जे के नातली कॉमा उप संपादक थे श्री पी भी पटेल व प्रकाशक थे श्री रणछोड़ के पटेल। ब्राम भारतीयों का यह पहला पत्र 1921 में प्रकाशित हुआ था कॉमा, परंतु यह जल्दी ही बंद हो गया। ब्राम एक बार फिर 1935 में इन्वर्टेड कॉमा उदय इन्वर्टेड कॉमा बंद नामक पत्रिका श्री प्रभु पटेल के संपादन में आरंभ हुई, जिसका सह डैश संपादन किया था कुशल मधु ने। ब्राह्म पहले पत्र की भांति इस पत्रिका को भी भारतीय समाज का अधिक सहयोग नहीं मिला और पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। ब्राह्म उपरोक्त दो प्रकाशनों के पश्चात लंबी अंतराल तक किसी पत्र डैश पत्रिका का प्रकाशन नहीं हुआ। ड्राम 90 के दशक में पुनः संदेश नामक एक पत्र प्रकाशित हुआ व कुछ अंकों के
प्रकाशन के बाद बंद हो गया ब्राम। इसके बाद द इंडियन टाइम्स कॉमा इंडियन पोस्ट कॉमा पेसिफिक स्टार कॉमा ईस्ट एंडर और द फिजी डैश इंडिया एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ, किंतु एक के बाद एक बंद हो गई ब्राम। 90 के दशक में आई इन पत्र डैश पत्रिकाओं में से अधिकतर बंद हो गईं। ब्राम न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता में हिंदी का अध्याय 1996 में इन्वर्टेड कॉमा भारत डैश दर्शन इन्वर्टेड कॉमा बंद पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ हुआ। ब्राम 1921 में 90 के दशक का न्यूजीलैंड भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का गहन अध्ययन करने के पश्चात एक हिंदी लेखक व पत्रकार ने इन्वर्टेड कॉमा भारत डैश दर्शन इन्वर्टेड कॉमा बंद पत्रिका के प्रकाशन व संपादन का बीड़ा उठाया। ब्राम न्यूजीलैंड भारतीय पुनः पत्रकारिता में हिंदी प्रकाशन का अध्याय आरंभ किया, यद्यपि द इंडियन टाइम्स में 1993 में हस्तलिखित हिंदी रिपोर्टों के प्रकाशन से आरंभ होता है, तथापि वास्तविक हिंदी प्रकाशन का श्रेय इन्वर्टेड कॉमा भारत डैश दर्शन इन्वर्टेड कॉमा बंद पत्रिका को जाता है कॉमा, फिर भी यही पत्रिका पूर्ण रूप से न्यूजीलैंड का पहला हिंदी
प्रकाशन कहा जा सकता है। राम हिंदी भाषा का प्रेम व भारतीय समाज की आवश्यकताओं हेतु यह नन्ही सी यह पत्रिका निरंतर प्रयासरत रहती है। राम बिना किसी सरकार या गैर सरकारी आर्थिक सहायता की पत्रिका का प्रकाशन यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, कॉमा लेकिन हिंदी प्रेमियों का स्नेह हर दिन नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ब्राम स्टॉप।